डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ रिलीजन एंड रिलीजस बिलीफ इन पाकिस्तानी सोसाइटी तो इसके हवाले से सबसे पहले तो हम देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजन की आ, जो क्वान्टिटेटिव डिवीजन है वो किस तरह की है ऐस यू you नो know, कि पाकिस्तान जो है अभी प्रिडामेंटली मुस्लिम सोसाइटी है तो बिंग अ मुस्लिम सोसाइटी आलमोस्ट नाइन्टी सेवन परसेंट मुस्लिम्स जो यहाँ पर मौजूद हैं आगे उनकी कुछ सेक्टेरियन डिवीजनस हैं जिसमें कुछ सेवेंटी सेवन परसेंट सुनीस हैं ट्वेंटी परसेंट फियाज़ हैं दैन कुछ माइनॉरिटीज़ भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनमें क्रिश्चियंस हैं हिंदूस हैं सिख्स हैं और कुछ अदर कम्यूनिटी मेम्बर्स भी मौजूद हैं इस्लाम चूंकि प्रीडामेंट रिलीजन है इसलिए जो रिलीजस uh, बिलीफ्स हैं वो uh, हमारे यहाँ आपको उसी आइडियोलॉजिकल uh, स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद मिलेंगे और मज़हब का जो है वो कल्चर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है और इसीलिए आप देखेंगे कि बाज़ अकात हम ये डिस्टिंगशन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे हमारे मजहबी अकाद हैं और कहाँ से हमारे जो अकाद हैं वो कल्चर में से डराव हुए हैं या ट्रेडिशन में से डराइव हुए हुए हैं तो बाज़ अकात ये डिस्टिंगशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिलीजस आइडियालॉजी आपको आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक मेजर पार्ट होती है और इसी वजह से हम अक्सर अकात ये इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जिस चीज़ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस रवैये को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस रवैये की मैनिफेस्टेशन है सोसाइटी में शायद ये किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी की पैदावार है आ, बड़ी फ़ेमस एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है जब टेररिज्म पाकिस्तान में बड़ा आ, बड़े आ, एक प्री डामेंट पोजीशन के ऊपर था और टेर्रिज़म की वजह से पाकिस्तानी माशरा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था तो अक्सर ये ख्याल किया जाता था कि शायद इसमें कुछ महबी अकायद का रोल जो है वो मौजूद है कुछ फनीटिक्स जो हैं उनकी रिलीजस सोशलाइज़ेशन शायद काउंटर साबित हो रही है माशरे के लिए तो इसी तरह से माशरे में जो महबी अकायद हैं उनका बड़ा पॉजिटिव रोल भी कंसिडर किया जाता है जैसे हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उन चंद ममालिक से है जिनमें सबसे ज़्यादा खैरात की जाती है तो ये भी शायद उन्हीं मजहबी अकायद की बदौलत है कि पाकिस्तानी माशरा एक फिलंथ्राफिक माशरा कंसिडर होता है और आ, आ, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो रिलीजस प्रैक्टिसेस हैं वो ना सिर्फ पर्सनल लेवल के ऊपर बल्कि आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के ऊपर भी देखने को मिलती हैं जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एक्नॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी लीगल मैटर्स के अंदर भी मजहब का एक रोल आपको नजर आता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है आपके आ, उसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान डिकलेर किया गया है और उसी के मुताबिक कोशिश ये की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके मजहबी अकायद से के मुनाफी ना हो इसी तरह से जो जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है तो सूद के ऊपर मबनी निज़ाम को वहमेंटली अपोज़ किया जाता है और मुसलसल एक कोशिश जारी है इस हवाले से कि किसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम को सूद से पाक किया जा सके ताकि ये इस्लाम के दिए गए असूलों के मुनाफी ना हो इसी तरह जो हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन हैं उसमें बच्चे की तरबियत के वक्त ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि बच्चा जो है वो उसको मज़बी अकायद का मुकम्मल तौर पर पता हो वो एक अच्छे मुसलमान के तौर पर सोशलाइज हो उसको बचपन से नमाज के तरीक़े के ऊपर सोशलाइज किया जाता है उसको खाने के आदतों व अतवार जो हैं वो भी मज़बी अकायद के मुताबिक सिखाने की कोशिश की जाती है हत्या कि उसके लिबास को के हवाले से भी ये ख़्याल रखा जाता है कि जो इस्लाम का सतर का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक उसका लिबास होना चाहिए ंग दीज सर्टन ऑब्लीगेस ऑबियसली जो uh, इन्हींद के साथ साथ जो प्रैक्टिस होती हैं मज़बी रिलीजस प्रैक्टिस दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इम्पोर्टेंट एज पर एज पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो फाइव टाइम प्रेयर को जो है बड़ी वैल्यूबल एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है और uh, इसी तरह से जो uh, नमाज के साथ रोज़ा ज़कूत हज ये सारे ए वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी कंसीडर होते हैं हाँ क्यों इन, क्यो, इन अकायद की जो मैनीफ्टेस हैं वो डेफिनेटली आपको यूनिक कल्चरल पैटर्न्स के अंदर मिलती हैं जैसे फ्राइडे प्रेयर के वक्त आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की ये कोशिश होती है कि वो सफ़ेद शलवार कमीज पहन के जुमे की नमाज पढ़ने जाएँ तो उसको चूँकि वो कल्चरली uh, एक सिग्निफिकेंस uh, है तो उस वजह से आ, ये एक डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी के तौर पे पाकिस्तानी मुस्लिम्स की रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से मिलती है इसी तरह रमज़ान के अंदर जब आ, हमारे यहाँ कोशिश की जाती है अहतमाम किया जाता है शहर और अवतार का अहतमाम किया जाता है अफतारी करवाई जाती है ऐसे लोगों की मदद की जाती है जो काबिल नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें और इससे माशरे के अंदर एक कोप्रेशन पैदा होती है जैसे जिसको अगर आप फंक्शनलिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मुआरह जो है वो एक हारमनी या सोशल कंसेंसस की तरफ जाता है और फ़ास्टिंग में चूकि आप बिगा मुस्लिम अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ास्टिंग के जो रूल्स हैं वो क्या हैं उसमें आप ना तो खा सकते हैं ना पी सकते हैं और ना ही जो ममनो अद्वियात हैं वो ले सकते हैं और हाथी कि आप स्मोकिंग या चम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपके आ, मज़बी अकायद के साथ रिलेटेड हैं और मज़हब का कल्चर को प्रोड्यूस करने में और कल्चर को आ, चेंज करने में एक बड़ा प्रीडोमिनेंट रोल होता है सोसाइटी में और पाकिस्तानी सोसाइटी में ये आपको हर जगह पे मज़हब का रोल हर इंस्टीट्यूशन के अंदर मिलेगा हाँ ये और बात है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अक्सर इन रोल्स को या इन मजहबी अकायद को माशरे में मौजूद जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं या कुछ ट्रडिशनल चीज़ें जो ट्रडिशन में चली आ रही होती हैं उनके साथ कन्फ्यूज़ करते हैं तो ये टसल जो है ये भी माशरे में कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलती रहती है